ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में, जब ये सेशन में आप हमारे साथ इस सेशन को देख रहे हैं। ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है का मतलब ये है कि बनेगी नहीं, ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो चुकी है जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। और यही नहीं, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की अपने आप में इकलौती मार्केट। हाँ सही सुन रहे, 24 घंटे 365। आप कंपेरिजन में दूसरी मार्केट देख सकते हैं, स्टॉक मतलब शेयर, फॉरेक्स आप उधर देख सकते हैं। फॉरेक्स वीकेंड मना लेता है, सैटरडे संडे। अगर आप शेयर मार्केट में आएंगे तो 3:30 बजे शट डाउन कर देते हैं लोग, बट ये मार्केट 24 घंटे सातों दिन और दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। अब जो मेहमान है, जो गेस्ट इस सेशन के अंदर होंगे, वो एक कह सकते हैं अच्छा इतना कुछ है तो हमें जानकारी क्यों नहीं हुई अभी तक। इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी तक इस इंडस्ट्री को दुनिया के अंदर किसी ऐसी शख्सियत या किसी ऐसी प्रोफाइल में, पिछले 6-8 महीने 1 साल की बात नहीं कर रहा, उससे पहले, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में तो हर तरीके से लोग बात कर रहे हैं, बट उससे पहले अगर बात करूं तो किसी ऐसी प्रोफाइल, किसी ऐसी शख्सियत ने, मतलब किसी यूनिवर्सिटी ने, इंस्टीट्यूट ने, IITians ने, या फिर यू कह लो बिजनेसमैन ने, बिजनेस टाइकून्स ने, इस इंडस्ट्री को सराहा नहीं, हमेशा क्वेश्चन मार्क की नजरों से देखा पिछले 1 साल पहले तक की अगर बात करूं। लेकिन पिछले 1 साल में धीरे धीरे सब कुछ बदल गया और आज, लेकिन जब ये हम आपसे बात कर रहे हैं, आज भी ये इंडस्ट्री 2-3% इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आज इस इंडस्ट्री से अवेयर हैं, अपने इस देश की बात करूं तो ये हमारे लिए एक मौका है, अवसर है ये। क्यों? क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जो ट्रिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी है, 2-3% लोग अगर अवेयर है तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में अगर ये आंकड़ा 10% में कन्वर्ट होगा तो हमारे लिए विकल्प बहुत ज्यादा है। अभी अब आपके मन में बात आ रही होगी, जो भाई साहब आप ये समझा रहे हैं, आप बता रहे हैं, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा किसी, कोई ऐसा व्यक्ति बोले जो कुछ अहमियत रखता हो तो थोड़ी सी बात और अच्छी हो सकती है, बात बन सकती है। तो मैं अपनी जो बातें आपसे कह रहा हूं ना, इस पर एक स्टैंप लगवाने के लिए एक ऐसी प्रोफाइल से आपको मैं रूबरू कराता हूं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आज दुनिया भर में इतनी बड़ी पहचान है जो कहीं ना कहीं लोगों को विवश कर देती सोचने के लिए। तो आइए ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में मैं आपसे परिचय कराता हूं और मतलब इस इंडस्ट्री का उनकी नजर में देखने के लिए डिस्कस करवाता हूं और देखिए क्या उनके विचार हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पर विवश करेंगे। और क्योंकि आगे बढ़ेंगे इन टॉपिक पर बात करने से पहले, तो आपको तसल्ली होनी जरूरी है कि किसी अच्छे सेगमेंट पर हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए, तो जरा हम इनसे सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और इनके विचार किस तरह के हैं। क्यों? क्योंकि इनको देखने और सुनने के बाद शंकाएं खत्म हो जाती हैं। टेराकोटा के मिट्टी के क्वाइन बनते थे, दुनिया चलती थी, वक्त बदल गया, कभी तांबे के सिक्का आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। बाबा आने वाले दिनों में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहने का। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी, इससे हमें खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी ओपन नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं, ये अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी पूरे
इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है। यह ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल हैव ए डीप इंपैक्ट इन द वे वी लीव एंड वर्क। दे विल रिक्वायर रैपिड एडप्टेशन इन अवर वर्क प्लेसेस। कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमॉरो। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको समय के साथ नहीं चलेंगे तो आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है कि आपको कोई पूछेगा तक नहीं। तो आज जिस इंडस्ट्री को लेकर के मैं आपको बात कर रहा हूं, ये एक बहुत अर्ली स्टेज पे हम आपके सामने चीजों को रख रहे हैं और इतिहास गवाह है कि किसी भी इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में अर्ली स्टेज पे जिस भी इंसान ने उसके अंदर संभावनाओं पे काम किया है, विकल्प पे काम किया है, तो सभी ने बहुत कुछ करके दिखाया है। जिस मोबाइल फोन को आज आप हाथ में लेकर के इस सेशन को देख रहे हैं, उस मोबाइल फोन के पीछे लगा हुआ जो कवर है ना, या ऊपर जो टेम्पल लगा हुआ है, या जो स्टिकर्स लगते हैं, इनको बनाने वालों ने भी करोड़ों का टर्नओवर किया है। तो सवाल इस बात का है कि जब भी किसी इंडस्ट्री के अर्ली स्टेज पे, आज अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो यहां पर भी लोग बहुत तरीके से संभावनाएं देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर क्वाइन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग टोकन बना रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट बना रहे हैं, कुछ लोग डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो यूट्यूब पर बैठ करके चैनल्स बनाकर लोगों को जानकारी बांट रहे हैं, संभावना ही तलाश रहे इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे हम भविष्य देख सकते हैं। तो हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग के पॉइंट को लेकर के बात करेंगे। चूंकि आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड को लेकर के किस तरह से संभावनाएं बन सकती हैं हमारे आपके लिए, ये आज चर्चा का विषय है। तो ट्रेड जो शब्द है वो अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बाय और दूसरा सेल, खरीदना और बेचना, ट्रेड यही है। और जब हम बाय करने के लिए जाते हैं तो कोशिश ये रहती है कितना कम से कम पैसे में खरीदा जा सके और बेचने के टाइम पर कितना अधिकतम पैसे में बेचा जा सकता है, यही जो अंतर है, यही तो प्रॉफिट है। और ये जब शेयर मार्केट के अंदर है देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, ये जब फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो के अंदर है देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन रॉयल क्यू का क्या योगदान है इसमें? तो सबसे पहले रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए से। हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर के अंदर। एक लाइन का सवाल, चल कहां से रहा है? सिंगापुर से चल रहा है। दुनिया के 15 देशों में भारत को मिला करके इसको स्टार्टअप मिला, बट आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं दुनिया के 40 देशों में 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 15 लाख भी जल्दी हो ही जाएंगे, क्योंकि जब 6 महीने में 5 लाख तक पहुंच गए तो 15 लाख भी क्रॉस करेंगे। तो लेकिन वो जब 10 लाख का प्लस का आंकड़ा आएगा तो गूगल के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आज ये बड़ा हर्ष का विषय भी है कि पहले 6 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी रॉयल क्यू ने खड़ी कर दी है, और ये बड़ी अचीवमेंट है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आखिर कुछ तो ऐसा होगा कि आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और रॉयल क्यू क्या है? तो एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। हाँ, 24/7 रियल टाइम। ये जो सबसे ज्यादा आज फेमस है, जो प्रसिद्धि मिली है, वो मिली है रोबोट के नाम से कि रॉयल क्यू क्या है। तो रॉयल क्यू एक रोबोट है। और इसकी आवश्यकता क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि भाई किसी भी चीज की आवश्यकता समझ में आनी चाहिए पहले कि हम उसको क्यों एक्सेप्ट करें। तो आइए हम इसकी आवश्यकता को समझने की कोशिश करते हैं रॉयल क्यू की। लेकिन उसको समझने से पहले
हमें ट्रेड के टॉपिक पर एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने आपको बताया रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। तो जब हम ट्रेड के लिए जाते हैं तो ट्रेड हम कहाँ करते हैं? दुनिया की आज बहुत सारे एक्सचेंज है आज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जहां पर जाकर के आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब खरीद और बेच सकते हो। तो अगर हम बहुत सारे एक्सचेंज है, बट आज हम बहुत सारे की बात नहीं करेंगे, हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर की मार्केट के अंदर टॉप टू एक्सचेंज जो है, पहले पायदान पर जो एक्सचेंज है मैं उनकी बात करने वाला हूं। पहले नंबर वन बिनेंस एंड नंबर टू वाबी, ये दुनिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंज जो आज आपको सर्विस देते हैं ट्रेड के लिए, बाई और सेल के लिए। इन एक्सचेंज का क्या प्रॉफिट है आपके मन में अगर चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सचेंज बेसिकली जो आपको सर्विस देते हैं, इस सर्विस के बदले में ब्रोकरेज लेते हैं और ये एक्सचेंज आज ये फील करते हैं। अच्छा, बिनेंस अगर मैं टॉप की बात कर रहा हूं तो बिनेंस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, बिनेंस का मतलब 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का टर्नओवर करता है हर 24 घंटे के अंदर। अर्थव्यवस्था नहीं है बहुत सारे देशों की इतनी बड़ी जो अकेला बिनेंस से टर्नओवर कर देता है एक्सचेंज पे। ये पैसा किसका है? एक्सचेंज का नहीं है, हमारा और आपका है। और आपको बता दूं बिनेंस का आज प्रभुत्व इतना बड़ा है क्रिप्टो के अंदर कि जैसे एक समय था ना जब लोग किसी चीज को सर्च करने की बारी होती थी तो लोग कहते थे इंटरनेट कर लो, लेकिन कुछ समय बाद लोग कहने लगे कि गूगल कर लो। ठीक उसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर जो अभी मतलब इस समय बिनेंस की स्थिति हो चुकी है, क्रिप्टो का मतलब धीरे धीरे बिनेंस होता जा रहा है। क्यों? क्वाइन से लेकर के और ब्लॉकचेन तक, वॉलेट से लेकर के एक्सचेंज तक, और इन्फॉर्मेटिव में जाएंगे तो क्वाइन मार्केट कैप तक, सब कुछ उसी का नजर आता जा रहा है। जैसे ना एक टाइम पर चिपकाने वाले जो पदार्थ थे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि आज हर चिपकाने वाला पदार्थ फेविकोल बन गया। कुछ भी होता है, ब्रांड कोई भी हो, आदमी फेविकोल ही जानता है। तो इसी तरीके से आज बिनेंस अपने आप में इतना बड़ा कद उसने बना लिया है कि क्रिप्टो के अंदर कि लगता है लोगों को कि क्रिप्टो मतलब बिनेंस पूरक होते जा रहे हैं। तो आज ये एक्सचेंज ये देखता है कि आज लाखों अकाउंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जिनके अंदर लाखों डॉलर्स लोगों के रखे हुए, बट लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? प्रॉब्लम कहां है? तो इन एक्सचेंज ने भी और बहुत सारे जो हमारे आप जैसे लोग हैं जो आज क्रिप्टो समझ रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि जनरल प्रॉब्लम है कुछ इस इंडस्ट्री की जिनकी वजह से लोग प्रॉपर ट्रेड में शामिल नहीं हो पाते, जिसमें से जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 24 घंटे सातों दिन ये चुकी है मार्केट काम करती है। ये एक बड़ा विषय है यहाँ पर ट्रेड को लेकर के। तो अब सवाल इस बात का है कि आप ये कह सकते हैं जो एज अ गेस्ट हैं, कह सकते हैं सर ये तो अच्छी बात है कि मार्केट 24 घंटे सातों दिन काम करती है तो अपॉर्चुनिटी हो गई। बिल्कुल हो गई, लेकिन हम और आप 24 घंटे सातों दिन काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। दूसरी इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि लोगों को यहां पर नॉलेज नहीं है, लोग एक्सपर्ट नहीं है, लोग किसी की सलाह में न्यूज़पेपर में यूट्यूब पे जगह जगह सुन करके आप एक्सचेंज पे अकाउंट बना लेते हैं, बट आप तो नॉलेज ना होने की वजह से आप ट्रेड नहीं कर पाते, आप एक्सपर्ट नहीं है, कभी किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग यूनिवर्सिटी कहीं कुछ नहीं पढ़ाया गया। अब तीसरी और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम वो है मनुष्य होने की, क्या? ग्रीड फैक्टर, लालच। हम फंस जाते हैं लालच में अक्सर जब हम खरीदने जाते हैं ना किसी भी चीज को, तो मन में ये तो कहते हैं ना ये क्रिप्टो ही नहीं, ये तो सभी जगह प्रॉब्लम है हमारी और आपकी कि जब हम कुछ भी बाय करने के लिए जाते हैं तो हमें लगता है थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है कुछ और कम पैसे में मिल जाए, और जब बेचने जाते हैं तो कोशिश ये रहती थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसे हो सकता है मिल जाए। तो इस लालच में हम फंस जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, और अक्सर कभी कभार रुकने के चक्कर में जो मिल रहा होता है वो भी नहीं मिलता, तो इस लालच में फंस जाते हैं। और ये तीन प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाते हैं इस मार्केट के अंदर ट्रेड। तो कहते हैं जो काम इंसान नहीं कर सकता उसको मशीन करती है, मशीन करती, तो ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर मशीन का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो उसके लिए इन एक्सचेंज ने काम किया और इन्होंने एक सर्विस स्टार्ट करी जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब
थर्ड पार्टी ट्रेड कह सकते हैं आप, कि आप इस सर्विस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं एआई सर्विस के जरिए, थर्ड पार्टी ट्रेड के बना सर्विस दे करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब जब इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस को स्टार्ट किया तो जो मार्केट में इस इंडस्ट्री के अंदर सालों से एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं लोग, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेडर हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनको मौका मिला इस इंडस्ट्री के अंदर अपने एक्सपीरियंस को कैश करने का। तो एक्सपर्ट ने क्या किया, जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर, और ऑफर किया लोगों कि इस एआई सर्विस पर आप इस सॉफ्टवेयर को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी ट्रेड आसान हो जाएगी। तो नहीं क्लियर हो रहा बात, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंडस्ट्री टेलीकॉम, बहुत सारी कंपनियां वहां पर, बीएसएनएल, वोडाफोन, ट्रिंग, एसआर, हर्ट्ज, एयरटेल, जियो, इन लोगों ने जब नेटवर्क का ताना बाना बुना ना, नेटवर्क का जाल फैलाया, तो मार्केट में सामने नोकिया, मोटोरोला, माइक्रोमैक्स, लावा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, सब आ गए सामने कि मेरा वाला इस्तेमाल करो, मेरा वाला फोन इस्तेमाल कर लो अपने इस नेटवर्क के ऊपर और दुनिया मुट्ठी में कर लो। तो ठीक उसी तरीके से जब इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस को स्टार्ट किया तो मार्केट के अंदर एक्सपर्ट लोग अपने सॉफ्टवेयर को लेकर के आ गए बाजार में। तो रॉयल क्यू वही सॉफ्टवेयर है, रॉयल क्यू का जन्म इसीलिए हुआ इस रोबोट के लिए। तो रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, रॉयल क्यू क्या है ट्रेडर की स्ट्रेटजी है, रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम हाँ, क्यों, क्योंकि आप 24 घंटे सातों दिन ट्रेड नहीं कर सकते, तो रॉयल क्यू आपके लिए 24/7 ट्रेड करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो मशीन है, इसको तो भूख प्यास नींद कुछ तो लगती नहीं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई। दूसरी, चूंकि आप एक्सपर्ट नहीं है तो रॉयल क्यू क्या है, एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, ये सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करी रॉयल क्यू ने। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ग्रीड, लालच। तो चूंकि ये रोबोट है, मशीन है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, ये पैनिक नहीं होता, तो इसलिए आपकी ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करी रॉयल क्यू ने ट्रेड के दौरान आने वाली। तो इसलिए रॉयल क्यू क्या है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर और आ जाता है कि चूंकि यहां पर बात तो पैसे की है और हमारा आपका पैसा इन एक्सचेंज के अंदर रखा हुआ है जिन पर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं भले ना कर पाए, तो एक बात ये आती है कि अगर एआई सर्विस हमने स्टार्ट करी, इस सर्विस को इस्तेमाल किया और हमने किसी सॉफ्टवेयर को ट्रेड के लिए अलाउ किया, तो चूंकि हमारा पैसा तो इन एक्सचेंज के पास है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस एआई से एक्सेस दे देंगे अपने अकाउंट पर तो हमारा पैसा इन एक्सचेंज से बाहर भी जा सकता है, गायब भी हो सकता है क्या? मींस हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट पे। तो इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह आपका पैसा अगर किसी बैंक में रखा हुआ है, आपने अपना पैसा बैंक में रख दिया और बैंक ने किसी सर्विस को दिया और उस सर्विस की वजह से आपके अकाउंट में कोई भी छेड़खानी होती है, तो सवाल किससे पूछते हैं आप, प्रॉब्लम ढूंढते हैं बैंक से? मुझे लगता है 99% लोग बैंक के पास ही जाएंगे मैनेजर साहब का दिमाग खाने। ठीक उसी तरीके से अगर इन एक्सचेंज में रखे हुए आपके पैसे पर कोई भी दिक्कत होती है तो ये आई सर्विसेज किसने दी है, एक्सचेंज ने। सवाल किससे पूछेंगे आप, एक्सचेंज से। सामर्थ्य नहीं थी तो अलाउ क्यों किया, तो इन एक्सचेंज ने सोचा क्या, अगर हम अगर कुछ भी हुआ अगर इस तरीके की हमारी सर्विस से तो लोग तो हमारा सर खा जाएंगे, ऐसा करते हैं इस एआई सर्विस से लोगों को दिक्कत तब होगी जब विड्रॉल या ट्रांसफर हो सकेगा। तो एक्सचेंज ने एआई सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस से विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे एक्सचेंज कहीं ये लिख के देता है क्या भाई साहब, ये जो आप बता रहे हो क्या ये लिख के देता है? सर साथ में बने रहिए,
आगे उस स्लाइड पे भी आपको ले चलूंगा जहां पर एक्शन आपको लिस्ट कर देता है कि विड्रॉल ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, ईसीआई सर्विस से सिर्फ आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको, क्या ट्रेड, सिर्फ आप बाई सेल। एक चीज और आपको बता दूं, रॉयल क्यू आप उसी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं जैसे आप जब कैलकुलेट नहीं कर सकते ना तो कैलकुलेटर खरीद लेते हैं, जब आप दूर बैठे किसी साथी से बात नहीं कर सकते तो मोबाइल फोन ले लेते हैं, जब आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो आप टैली जैसे सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, जब आप देख रेख नहीं कर सकते तो सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आप रॉयल क्यू वाला रोबोट ले लेते हैं। तो रॉयल क्यू क्या है, जस्ट अ प्रोडक्ट जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आपके पास आया है जो कि ट्रेड के दौरान होती है। अब एक शब्द और है वो ये जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और जहां पर पैसे की बात होती है सब जरूर इस्तेमाल होता है। तो लोग जो भी एज अ गेस्ट है मैं उनको बता दूं यहां पे कि अगर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना है रॉयल क्यू में, तो सर शून्य है। रॉयल क्यू एक भी पैसे के इन्वेस्टमेंट को करने की सलाह नहीं देता। क्यों, पहले तो आप ये समझिए इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में बेहतर रिटर्न के लिए आप देते हैं। वो पैसा जो बेहतर रिटर्न के लिए आप देते हैं वो बैंक भी हो सकती है, वो इंश्योरेंस हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि आपका पैसा 24 घंटे सातों दिन आपके बिनेंस या वाबी एक्सचेंज के अंदर रखा हुआ है, जिसमें केवाईसी आपकी मतलब पैन आधार आपने अपना लगा रखा है, बायोमेट्रिक आपकी, ईमेल और मोबाइल से आपने बाइंड कर रखा है, जब तक ओटीपी नहीं डालेंगे ईमेल और मोबाइल दोनों पे, बैंक में तो एक ही आता है मोबाइल पे, यहां दो दो ओटीपी लगे हुए, और सुरक्षित चाहते हैं तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते। तो जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए पूरी तरह सेफ्टी 24 घंटे सातों दिन आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में, मॉनिटरिंग आपकी है हमेशा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जीरो है क्योंकि पैसा हमेशा 24/7 आपकी कस्टडी है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है रॉयल क्यू, अगर आपके जहन में ये चल रहा है तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी ट्रेड के दौरान प्रॉफिट के लिए, अगर ये स्ट्रेटेजी क्या है तो सिंपल है सर, जैस मार्टिंगल और एवरेज दोनों एक ही बात है, एक ही मतलब है कि आप एवरेज करके प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करता है। मार्टिंगल एवरेज में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरोक्स स्कैन। अब एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, हालांकि माइलेज या एवरेज निकालना आपको बड़ी आसानी से आता है, कार और बाइक में तो निकाल लेते हैं आप, लेकिन हम भी जब बता रहे हैं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, आसानी से चीजें हो जाएंगी। सपोज 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, यदि आप 100 रुपए का बाई कर लें उसको, कोई प्रोडक्ट है कोई भी 100 रुपए का आपने खरीद लिया, एक पीस मिल जाएगा आपको। यदि इसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 50 रुपए हो जाए, फिर से आप 100 रुपए का खरीदें तो 2 पीस मिल जाएगा। यदि इसी प्रोडक्ट की कीमत और कम होकर के 25 रुपए हो गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा तो इस बार 4 पीस मिल गया। अब इस प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 25 से 10 रुपए रहेगी, आपने 100 रुपए का बाई किया तो इस बार आपको 10 पीस मिले, 400 रुपए आपने खर्च किए 17 पीसेस, एवरेज कितना है 23 रुपए 52 पैसे। यानी कि जो ये 100 रुपए वाला प्रोडक्ट है आज ये 10 रुपए का हो गया तो एवरेज 23 रुपए 52 पैसे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो ये 10 रुपए वाला प्रोडक्ट 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है। यदि इसकी कीमत 24 रुपए हो जाए तो आप सारे 17 पीसेज यदि आप सेल करें तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। यही स्ट्रेटेजी रॉयल क्यू अपनाता है ट्रेड के दौरान 24/7। अब आप ये कह सकते हैं यही वाली स्ट्रेटेजी क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है इसके अंदर एक क्वाइन जो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हैं उसको, जिसको बिटकॉइन कहते हैं, इस अकेले क्वाइन का डोमिनेंस 43% है। हाँ सही सुन रहे हैं, ये मार्केट बिटकॉइन के इर्द गिर्द घूमती है, अगर ये ऊपर तो मार्केट ऊपर, ये नीचे तो मार्केट नीचे। तो इसलिए ये वाली जो स्ट्रेटेजी मार्टिंगल की है यही काम करेगी, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी।
अब बात कर लेते हैं कि आखिर जब ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है तो किस तरह से आपके अकाउंट में परफॉर्म करती है। तो इस पेज पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस स्लाइड पर जितने भी नंबर, डिजिट, आंकड़े, जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, ये सब रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटजी है। आपने अपने एक्सपीरियंस, तजुर्बे के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो उंगली नहीं करनी है, फिर उसको अपना काम करने देना। दूसरा, आपसे एक और निवेदन है कि यदि अभी तक आप इस हमारी प्रेजेंटेशन को हाथ में फोन लेकर स्लाइड बाई स्लाइड नहीं देख रहे थे, तो अब अपने फोन को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि इस स्लाइड का आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्लाइड आप समझ गए तो यकीन मानिए आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि बिना रॉयल क्यू के हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर भविष्य नहीं दिखाई देगा आपको। ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि रॉयल क्यू के साथ आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। ये रॉयल क्यू आपकी ट्रेड को बहुत सरल बना देगा। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज आपके बिनांस एक्सचेंज के अंदर मान लेते हैं कि $200 है और रॉयल क्यू ने फर्स्ट ट्रेड लगाई $10 की, तो जैसे ही $10 का फर्स्ट ऑर्डर लगता है और मार्केट ऊपर की तरफ यदि चल दे, हम चाहते तो यही है कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ रहे, तो यदि मार्केट ऊपर की तरफ चल देता है तो 1.3% मार्केट ऊपर जाने के बाद, 1.3 ऊपर जाने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन करता नहीं है, जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। जैसे ही 0.3% डाउन होता है, यही वो स्टेज है जहां पर सेल करके और आपको प्रॉफिट निकाल के देता है और फिर से नया ऑर्डर $10 का लगा देता है। यही काम रॉयल क्यू करता है यदि मार्केट प्रॉफिट में जाती है, ऊपर जाती है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए कि यदि $10 का जैसे ही ऑर्डर लिया, मार्केट ऊपर ना जा करके मार्केट नीचे जाने लगी, 3.5% नीचे जाने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। अब आप कहेंगे किस बात के लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए, अभी तो बताया पिछले स्लाइड में। तो 3.5 नीचे आने के बाद मार्टिंगल के लिए ट्रिगर ऑन हुआ, जितना नीचे जा रहा जाने देगा। सपोज 6% मार्केट नीचे गिर गई, इसके बाद जैसे 0.5 ऊपर उठी, इस बार बाई करेगा सर $20 का, $20 का ऑर्डर फिर से लगा देगा। क्यों? एवरेज के लिए, मार्टिंगल के लिए। अब उम्मीद तो थी यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, फिर से नीचे चली गई। ये कुछ इस तरह से 4% नीचे जाने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है, किस लिए? मार्टिंगल के लिए। अब मान लेते हैं 8% और मार्केट नीचे गिर गई, कुछ इस तरह, जैसे 0.5 ऊपर उठी, इस जगह पर फिर से बाई करता है $40 का, और अब फिर से उम्मीद थी ऊपर जाएगी, लेकिन फिर मार्केट नीचे गिर गई, इस बार तो 10% गिर गई, और जैसे 0.5 ऊपर उठी, इस बार बाई करेगा $80 का। वो कितना गया? 80, 40, 20 और 10, यानी कि $150 का ऑर्डर लगा दिया रॉयल, $150 का। अब अगर हम माइनस देख ले, 10, 8 और 6, लगभग 22-24% का माइनस है, और चूंकि इस $150 के ऑर्डर में $80 यानी कि $80 का ऑर्डर सबसे नीचे लगा हुआ है, 50% से भी ज्यादा नीचे लगा हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ये ऑर्डर्स लगे हुए, इसका मतलब माइनस कितना रिफ्लेक्ट होगा? बहुत ज्यादा, 7-8%। मार्केट यदि 7-8% ऊपर आ गई तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में, इसके बाद जितना ऊपर जा रही है 1.3% पे ट्रिगर ऑन होकर के जितना ऊपर जाएगी जाने देगा। सपोज 6% ऊपर चली गई और जैसे 0.3 डाउन हुई, बस इसी स्टेज पर ये सेल करता है, आपका पूरा $150 का ऑर्डर सेल कर देगा और नया $10 का ऑर्डर फिर से लगा देगा। यही काम रॉयल क्यू 24 घंटे सातों दिन बाई सेल करता रहता है और आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहता है। अब एक बात आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई साहब, ये जो $80 के ऑर्डर के बाद आप मार्केट को ऊपर ले आए ना, यदि मार्केट यहां से भी नीचे गिरने लगे तो क्या होगा? तो अगला ऑर्डर लगेगा जैसे ही मार्केट 0.5 ऊपर आएगी, $160 का। तो अब प्रश्न यहां पर ये है कि हमारे पास तो $200 थे, $150 का ऑर्डर लग गया यहां पे,
बच्चे यहां पर $50 $160 का ऑर्डर लेगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं, $160 के ऑर्डर के टाइम पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इनसफिशियंट फंड। अब यदि आपके पास फंड है तो यहां पर इस $50 में प्लस कर दीजिए, और नहीं है तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए, रॉयल क्यू कभी भी लॉस को बुक नहीं करता, कभी किसी भी ट्रेड को माइनस में कट नहीं करता, किसी भी ट्रेड को। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मशीन है, हमारी आपकी तरह इंसान नहीं कि पैनिक हो जाए। इसकी जो स्ट्रेटेजी है, प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर माइनस में या लॉस में सेल करने की, इसलिए नहीं करता। तो इस $150 का क्या करेगा? सर इस $150 को ये होल्ड करेगा, मतलब प्रतीक्षा करेगा मार्केट के वापस ऊपर आने का, अपने ट्रेडिंग जोन में आने का। और जैसे ही रॉयल क्यू को दिखाई देगा, मार्केट उसके ट्रेडिंग जोन में होगी, इस अमाउंट को सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। बट कभी भी किसी भी ट्रेड को माइनस में सेल नहीं करता है। अब एक प्रश्न और यहां पर बनता है, वो ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना इसको समझने के बाद प्रश्न नहीं रह जाएंगे, फिर यही समझ में आएगा कि रॉयल क्यू के साथ सफर शुरू किया जाए क्रिप्टो के अंदर ट्रेड का। तो अब एक बात और, हमने आपको ये $200 पे बताया। अब कुछ हमारे साथी यहां पर ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में आता होगा ये एवरेज की स्ट्रेटेजी उस स्टेज पर फ्लॉप हो जाएगी जब आपके अकाउंट में ज्यादा फंड हो। कैसे? अक्सर लोगों के जहन में चलता होगा कि $2,000 का सपोज अकाउंट है, या आप इससे बड़ा भी समझ सकते हैं, और आपको यदि लगता है कि यदि मार्केट नीचे की तरफ आती है और रॉयल क्यू एवरेज करने के लिए बाई करता है, मतलब पहला ऑर्डर $10 का लगाएगा, दूसरा 20 का ले लिया, फिर 40 का ले लिया, 80 का ले लिया, जैसे मैं अभी पीछे समझा रहा था, $160 का ले लिया, $320 का ले लिया, $640 का ले लिया, और इसी तरीके से नीचे लेता चला गया, और मार्केट ऐसे ही गिरती रही, 3 महीने ऊपर नहीं आई। ऐसा लोग सोच रहे होंगे सेशन के अंदर बैठे, 3 महीने ऊपर नहीं आए, फिर क्या होगा? तो और मेरे तो $2,000 फंस जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सुनिए सर ध्यान से, ये रॉयल क्यू है, हमने आपसे कहा था एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। आज एक सज्जन से दोपहर में बात हो रही थी फोन पे, वो इसी टॉपिक पर अटके हुए थे और अभी तक शुरू नहीं कर पाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहां पर क्या होता है। तो मैंने उनको बताया सर 6 महीने हो चुके हैं रॉयल क्यू को, 6 महीने हो चुके हैं, और आप सोचिए इन 6 महीने में रॉयल क्यू $64,000 से और $28,000 तक नीचे जा चुका है, और 28,000 से फिर से आज $65,000 पे बिटकॉइन फला है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, सॉरी, कि बिटकॉइन $64,000 से $28,000 गया और 28 से फिर से $65,000 आ गया। तो पहले वाला डाउनफॉल 50% से ज्यादा था और फिर वापस से 65,000 आ गया। तो रॉयल क्यू ने सारा दौर देख लिया 6 महीने के अंदर, उस सिचुएशन पे क्या होगा? तो आप समझते हैं कि इस वाली सिचुएशन पर क्या होगा। तो रॉयल क्यू कहता है आपके पहले 4 ऑर्डर पे जब मार्केट कुछ इस तरह गिरती है तो $10, $20, $40, $80 पहले 4 ऑर्डर से रॉयल क्यू कहता है आप जरा इंतजार कीजिए, आपसे हम बाद में निपटेंगे। और जो ये 5th ऑर्डर है, 5वें ऑर्डर के नीचे जितने भी ऑर्डर लगते हैं, इन सारे ऑर्डर्स पे सिंगल और सिंगल ऑर्डर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। 160 पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 320 पे मिलेगा, 640 पे मिलेगा, एक एक ऑर्डर, 5वें ऑर्डर से नीचे जितने भी ऑर्डर लगेंगे एक एक ऑर्डर पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और मैं मान लेता हूं कि मार्केट अगर नीचे गिर गई, 3 महीने ऊपर नहीं आई, तो 3 महीने क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट है तो 3 महीने तो नीचे ये स्थिति बनी रहेगी, ऊपर नहीं आएगी कोई बात नहीं, तो नीचे क्या करेगा? यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, नीचे के स्टेजेस पे 5वें ऑर्डर से नीचे जितने भी ऑर्डर लगेंगे एक एक ऑर्डर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करता रहेगा, आपको प्रॉफिट देता रहेगा।
अब आप कहेंगे सर ऊपर के तो चार होल्ड हैं, तो ध्यान से सुनिए सर, ऊपर का पहला ऑर्डर $10 का है, और ये $10 का जो पहला ऑर्डर है, और जहां से सबविन मोड, इसको बोलते हैं सबविन मोड, इस प्लान को जिसको प्लान बी कहते हैं हम, इस पांचवे ऑर्डर का, तो पांचवा ऑर्डर 160 का है, तो इस 160 में ये $10 16 बार आते हैं, इसलिए कभी भी ट्रेड फंसती नहीं है। जब इस स्टेज पे बाई सेल यहां पर होगा तो ऊपर वाले ये बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। अब एक बात और, ट्रेड से रिलेटेड तो सवाल अब बचता नहीं लोगों के पास, तो आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा, आपका रॉयल क्यू डेली कितने परसेंट प्रॉफिट निकाल देता है? तो हमारा रॉयल क्यू प्रतिदिन प्रॉफिट जैसी कोई चीज नहीं निकाल के देता है। मतलब सही सुन रहे हैं आप, ये रोबोट 24 घंटे सातों दिन काम करता है, बट आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन डेली नहीं करना है, आपको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, और जब आप मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो 10-12% का प्रॉफिट बड़े आराम से आपको निकाल करके देगा, और अगर आप डेली कैलकुलेट करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते आपसे। मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करिए, 10-12 बड़े आराम से निकाल करके देता है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है, ये रोबोट आपके अकाउंट पे जो कि बिना से वाबिक एक्सचेंज में है, वहां जो मार्केट चल रही है उससे प्रॉफिट निकाल के देने की बात कर, इसलिए 10-12% मंथली बड़े आराम से निकाल करके देता है। अब अगर आप कहते हैं सर हमारे अकाउंट में तो इससे ज्यादा दिख रहा है, कुछ ऐसे लोग यहां पर होंगे मीटिंग के अंदर और आप कम क्यों कहते हैं, तो सर आपको ज्यादा दिख रहा है ना, ये आपका नसीब है, भाग्य है, बस हम 10-12 की ही बात करते हैं। डिसिप्लिन विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, इस मार्केट पे कंट्रोल हमेशा रॉयल क्यू को करने देना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अक्सर लोग बात करते हैं सर मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, ये आप कर सकते हैं ऐसा, हम मनुष्य हैं, और अक्सर हमारे अंदर जब कोई नई चीज लेकर के आते हैं ना तो उंगली करने की वो आदत होती ही है, हम मानते नहीं है, हम कितना भी इस मीटिंग में रोज यही लाइन रिपीट करते हैं इस स्टेप पे कि सर आपको उंगली नहीं करनी है, और रोज हमें मॉर्निंग के सेशन में लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर मैंने ये मेरे से गलती हो गई, आप क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं करते हैं कि ऑटो में बैठ करके और ड्राइवर से बोले तुम पीछे बैठो और मैं चलाता हूं, ऐसा आपको यहां भी नहीं करना है, आपको लालच में नहीं फंसना है, पैनिक नहीं होना है, ओवर बाय नहीं करनी, ये सब आपको नहीं करना है, रोबोट को कंट्रोल करने देना है। आपने नौकर खरीदा, ये रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू आपका नौकर है जो आपके लिए काम कर रहा है, इससे काम कराओ ना। कभी ऐसा होता है बाजार से नौकर ला करके उससे बोलते भाई तू बैठ कॉफी पी और मैं काम कर देता हूं, कभी हम कहते हैं ऐसा नहीं कहते, यहां भी नहीं करते, इसी से काम कराना है, इसको आप बाय करते हैं। कहां मिलता है ये? एप्पल स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, 120 USDT में उपलब्ध है, 120 USDT में आप इसको ले सकते हैं। INR में बात करूं लगभग 9.5-10 हजार के बीच में आपको पड़ता है एक साल के लिए, लेकिन मिलता है आपको ये जो नौकर है ना, या यूं कह लें कि थोड़ा सा अच्छा वाला शब्द नहीं लगता है, अच्छे शब्दों में बात कर लेते हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना ये आप खरीद सकते हैं 120 USDT में। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, 120 USDT में खरीद सकते हैं, खरीदने की बात कर रहा हूं, इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, खरीद रहे हैं आप, पैसा दे रहे बदले में सामान मिल रहा है आप, तो इसलिए उसी को खरीदना कहते हैं। आप इस रोबोट को एक साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, खरीदते हैं एक साल के लिए कि एक साल ये आपके लिए काम करेगा, आप उससे काम करवा सकते हैं, और यही नहीं परफॉर्मेंस रेट 20% है, प्रॉफिट का 20% लेता है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसका 20%, ब्रोकरेज नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। लेगा कैसे? डेली मंथली वीकली? तो ना डेली ना मंथली ना वीकली, क्यों? क्योंकि सुपर इंटेलिजेंट है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, ऐसा मैंने बोला था आपको। तो जिस तरीके से आपके फॉर एग्जाम्पल आपके बिनांस में या वाबी में, अगर एग्जाम्पल ले लू कि अगर $200 रखे हुए, बिनांस या वाबी में $200 रखे हुए, 1% प्रॉफिट हुआ, रॉयल्टी में ट्रेड करी $2, इसका 20% $0.4, ये चाहिए, ये रॉयल क्यू लेगा, लेकिन लेगा कैसे?
इसके लिए रॉयल क्यू के अंदर फ्यूल वॉलेट रहता है, जैसे आपकी कार और बाइक में फ्यूल टंकी रहती है, फ्यूल टैंक, वैसे यहां पर आपको फ्यूल वॉलेट रहता है। $15 से $20 आपको यहां रखने होते हैं, कुछ भी 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, रखने को 10 भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आपकी यहां पर ये प्रॉफिट हुआ $2 का, 0.4 यहां से ले ली, फिर आपने यहां पर प्रॉफिट हुआ फिर यहां से ले लेगा, फिर यहां प्रॉफिट हुआ फिर यहां से ले लेगा। इसी तरीके से रॉयल क्यू और बिनांस आपस में बाइंड होकर के काम करते रहेंगे, और अगर ये $20 यहां खत्म होंगे इसका मतलब है कि $100 का प्रॉफिट हो चुका है आपके बिनांस में, आप इसको रिफिल कर दीजिए। और अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा, तो जिस तरह आपकी कार और बाइक आपको इंडिकेट करती है वैसे ये हमारा तो सुपर इंटेलिजेंट है, तो इसलिए ये आपको आपको अपडेट करता है इन नोटिफिकेशन के जरिए कि अब हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है, आप रिफिल कर दीजिए। यही नहीं, रॉयल क्यू को नहीं खरीदा जा सकता है, जो ये रोबोट है इसको नहीं खरीदा जा सकता है रॉयल क्यू से डायरेक्ट, इसके लिए आपको रिफरल चाहिए होगा अपने उस फ्रेंड का जिसने आपको इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट किया है। आप इस रिफरल पर क्लिक करके कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह खुलेगा, ईमेल पे अपना ईमेल के जरिए आप लॉग इन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 120 USDT से इसको एक्टिव करना हो, अगर आप 120 USDT से एक्टिव नहीं करते हैं तो ये आपके किसी काम का नहीं है। और आफ्टर एक्टिवेशन बिनांस से बाइंड करके ट्रेड के लिए आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रश्न ये है कि हमारे बिनांस के अंदर 10 से 15 तरीके के कॉइन रखते हो और क्या हमें अब ऐसे सिचुएशन में ट्रेड के लिए दूसरा बिनांस बनाना पड़ेगा, तो हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि रॉयल के USDT से खरीदता है और USDT में ही बेच देता है, इसलिए आप तो जो भी 10 12 15 तरीके के कॉइन रख रखे हैं आपने वो सब आपके रखे रहेंगे, ये सिर्फ USDT में बाई सेल करता है। और यदि आपके पास बिनांस का अकाउंट नहीं है तो आप रिफरल लिंक ले सकते हैं बिनांस का भी, अपने फ्रेंड से अकाउंट क्रिएट करके और ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको प्रॉमिस किया था कि वो स्लाइड दिखाऊंगा जहां पर बिनांस लिखकर आपको देता है कि इस रोबोट के जरिए विड्रॉल और ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो वही ये स्लाइड है, ये देखो यहां लिखा हुआ है। भाई साहब आप ही से कह रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है सर, जब आप किसी चीज को समझते हैं तो कुछ नासमझ लोग आपके समझने के बाद जो आपके अंदर थोड़ा सा आता है ना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो कुछ ऐसे लोग पिन मार करके आपकी हवा निकालने का काम करते हैं। तो जब वो लोग हवा निकालने आएंगे ना और ये स्लाइड आप समझ लेंगे तो वो पिन नहीं कुछ और भी चीज ले आएंगे हवा निकालने के लिए, तो निकलेगी नहीं आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान आ चुका होता है, जानकारी मिल चुकी होती है। तो ये वही स्लाइड है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है रॉयल की भी नहीं, AI सर्विस के जरिए, ये देखिए API रिस्ट्रिक्शन है, विड्रॉल नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्या होगा? रीड करेगा आपके अकाउंट पे रॉयल क्यू और स्पॉट में ट्रेड करेगा आपके अकाउंट पे, स्पॉट में ट्रेड करेगा। इसका मतलब ये है भाई साहब, यदि आप शेयर मार्केट से हैं, यदि आप फॉरेक्स से हैं, तो आपके लिए खास तौर पे ये लाइन है कि ये रोबोट लीवरेज ट्रेड नहीं करेगा, लीवरेज नहीं करके खरीदेगा और बेचेगा नहीं, जितना पैसा है उतने में ही बाई सेल करेगा। इसका मतलब ये है, उधार के पैसे पे काम नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं, जब बिनांस पे रॉयल क्यू के माध्यम से ट्रेड अप्लाई होगी तो ट्रांजेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको चीजें दिखाई देंगी, कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा ऑर्डर है, बाई है, सप्रिंग मोड में सेल हुआ या फिर सेल हुआ, बाई हुआ, कितने परसेंट पे, कितना प्रॉफिट टोटल हुआ, डेट वाइज प्रॉफिट कितना है, ऑर्डर नंबर कितना है, कौन से क्वाइन में प्रॉफिट हुआ, किस टाइम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, फ्यूल फीस कितनी है, हर एक चीज बहुत ही सरल तरीके से आपको डिस्प्ले कर दे। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि ट्रेड के दौरान जो पैसा है वो तो रॉयल क्यू में आ जाता होगा ट्रेडिंग के लिए, तो बिल्कुल गलत है आप सर। बाई और सेल दोनों आपके बिनांस के अकाउंट में ही होता है, पैसा कभी भी रॉयल क्यू के अंदर नहीं आता।
तो ये क्या है, ये सर पासबुक है आपकी, ये दिख रहा है ना, ये पासबुक है आपकी। जिस तरह पासबुक में एंट्रीज हो जाती है, पैसा तो अकाउंट में रहता है, ठीक उसी तरीके से ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा पासबुक रॉयल क्यू इस पे डिस्प्ले करके आपको समझा देता है हर एक चीज, ठीक उसी तरीके से जैसे एक टीचर समझाता है कि स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखकर डायग्राम बना के समझा देता है, वैसे ही विनायंस नाम की जो ट्रेनिंग बुक है उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है रॉयल क्यू डिस्प्ले कर देता है अपने यहां पे, और आप सरलता से देख लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना रॉयल क्यू सबसे अच्छा है, और साथ में एक बात और, रॉयल क्यू सबसे सरल है। तो इसलिए चीजों का जितना अच्छा होना जरूरी है उतना सबसे सरल होना भी जरूरी है, क्योंकि सरल होगा तो बात आसानी से समझ में आ जाए। और यही नहीं, रॉयल क्यू आपको एक सर्किल मोड भी देता है, यहां पर उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएंगे, आप किसी भी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, और वो आपके लिए प्रॉफिट को निकाल करके देता है 1% से लेकर के 1.5% तक। आपसे ये जो ट्रेडर हैं ये अलग से फीस लेते हैं, जो कि रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है जो ये आपसे लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल क्यू के सबसे खूबसूरत हिस्से की। हाँ, सबसे खूबसूरत हिस्से की, क्योंकि हमारे लिए यही वाला सबसे खूबसूरत है। आप अगर ट्रेडर हैं, या आप अगर मैं भी, मेरे लिए भी जो यहां तक का पार्ट था जब मैंने रॉयल क्यू को देखा था तो मेरे लिए यही वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा था, सबसे खूबसूरत था, सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाला था। बट आज पिछले 3.5 से 4 महीने के बाद मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वाला पार्ट पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत है। और इसको अगर हम समझ गए, हम यहां तक ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं, बट यहां से अगर हम समझ गए तो हमारा जीवन झिंगा लाला हो सकता है, मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे वो सारे सपने, वो सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं जो हम अभी तक सिर्फ उनकी, उनको पूरा करने की तलाश में सिर्फ भटकते रहते हैं। जैसे हिरन भटकता है ना कस्तूरी की तलाश में, वैसे ही यहां पूरे हो जाएंगे, यहां नहीं हुए तो यहां हो जाएंगे, यहां नहीं हुए तो यहां हो जाएंगे, और उस यहां यहां की तलाश में समय चला जाता है। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म रॉयल क्यू ने दिया है कि रॉयल क्यू कहता है कि यदि हमारा प्रोडक्ट आपको समझ में आता है, यदि हमारा रोबोट समझ में आता है आपको, और आप उसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम आपको एक रिफरल प्रोग्राम देते हैं। और यदि इस रिफरल प्रोग्राम को आप एक्सेप्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आप असीमित दौलत कमा सकते हैं, असीमित। तो कैसे असीमित दौलत मिलेगी, ये इस स्लाइड के जरिए आप अगले 5 मिनट के अंदर समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने उन साथियों से निवेदन करना चाहेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है, किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर यदि आप हैं, तो आपको यह भी समझने की जरूरत है। नोकिया भी अपने जीवन में, अपने समयावधि में बहुत अच्छे लेवल पे था। नोकिया को आपने सुना होगा, नोकिया मतलब एक टाइम पर लीडर था, बहुत अच्छी स्टेज पे था। मोबाइल का मतलब नोकिया था, कनेक्टिंग पीपल। लेकिन समय को भांप नहीं पाया वो, यही गलती हो गई, यही गलती हो गई, समय को पहचान नहीं पाया, टेक्नोलॉजी को पहचानने में चूक हो गई उसकी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ने दरवाजा उसी का खटखटाया था। क्योंकि हमेशा याद रखो, अपॉर्चुनिटी हमेशा लीडर को ही पहले मिलती, क्यों, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को लीड कर रहा होता है, अपनी सिचुएशन पे लीड कर रहा होता है, वो परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस उसकी दिख रही होती है, तो अपॉर्चुनिटी मिलती उसी को पहले जो लीडर। लेकिन बहुत बार लीडर मदांध हो करके अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाता,
क्योंकि उस जो अपॉर्चुनिटी है जो जिस जहां पर आज वो क्योंकि लीडर है वो अपनी फील्ड में, तो वो कभी कभार एक अजीब से अहम में चल पहुंच जाता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। मेरा तो नोकिया का हाल यही था, क्योंकि किसी भी इंसान से दौर था जब आप पूछिए मोबाइल कौन सा लेना है, आदमी कहता था नोकिया। तो जब उसके पास एंड्रॉइड गया तो नोकिया ने यस नहीं किया, नो किया। नोकिया ने नो किया, तो जब उसने नो किया तो किसी ने यस किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप तो मदान हैं अपने वैभव में, आज के वैभव में। तो जिसने यस किया वो टेक्नोलॉजी उसका हो लिया, तो आज वो लीडर हो गया और वो फॉलोअर हो गया जिसने नो किया। तो मेरे साथियों, हम टेक्नोलॉजी आपके सामने परोस रहे हैं, आने वाली इंडस्ट्री परोस रहे हैं आपके सामने। आपको अब सोचना यह है कि नो किया या यस किया। अगर नो किया तो एग्जांपल आपके सामने, आज उसने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, उस नोकिया ने उस टेक्नोलॉजी को आज यस किया, लेकिन आज फॉलोअर है, आज फॉलोअर है। कल उसको एक्सेप्ट करता तो वो कल भी लीडर था, आज भी लीडर होता। इस फर्क को समझने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं इस पार्ट को समझने की और इस टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इस रिफरल प्रोग्राम के जरिए। और ये रिफरल प्रोग्राम आपसे कहना चाहता हूं, आज इसने नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी लकीर खींच दी। क्यों खींच दी, कैसे खींच दी, ये भी बताऊंगा। सक्सेस के रेशियो को बहुत तेजी से पंप किया है। हम सिर्फ प्रश्न नहीं देते हैं आपको, उसका उत्तर साथ में रखते हैं। इसलिए इसने जो रेशियो को पंप किया है वो क्यों किया है, ये भी आपको समझ नहीं सकता। आइए चलते हैं रेफरल प्रोग्राम को पहले समझते हैं और फिर आगे बात करें। तो चूंकि रॉयल क्यों कहता है, यदि आप हमारे रोबोट से, हमारे प्रोडक्ट से अगर आप संतुष्ट हैं और इसको रिफर करते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आप रिफर करते हैं, तो उसके लिए रिफरल के लिए हम आपको एक रैंक देते हैं जिसको V1 कहते हैं। और इस V1 रैंक को लेने के बाद यदि आप किसी को रिफर कर देते हैं, मिस्टर ए, सपोज मैं हूं मिस्टर ए, आपने मुझे रिफर किया, मैंने आपके रिकमेंडेशन पे $120 का रोबोट लिया। क्यों? क्योंकि कभी कभार हमें अपनों का भी रिकमेंडेशन मान लेना चाहिए। हमेशा अमिताभ बच्चन कहेंगे तभी मानेंगे क्या, शाहरुख खान कहेंगे तभी मानेंगे क्या? अरे कभी कभार अपने भी कह देते हैं और हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहते हैं, तजुर्बे के आधार पे कहते हैं। और जो वो कहते हैं ना, जिनकी आप मानते हैं, आपको मालूम भी नहीं होगा कि मैगी 2 मिनट में बनती है कि नहीं बनती, कभी नहीं बनाई, लेकिन वो कह दिए और हमने मान लिया। और उनका उनका जो अकाउंट है ना वो भरते चले गए। तो इसलिए किसी ने मुझे कहा, मैंने माना, मैंने आपके कहने पर $120 का रोबोट खरीदा, $30 आपको मिला। और मैंने जब इस रोबोट को लिया तो क्यों लिया, ट्रेड के लिए। तो मैंने जब मेरे अकाउंट पर ट्रेड किया तो मुझे 20% का प्रॉफिट मिला। जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसका 20% रॉयल क्यों ने लिया, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% चाहिए, मैंने आपसे शेयर किया। इस 20 में से 4% आपको दे देता है रॉयल क्यों, 4% आपको दे देगा। नहीं समझ में आ रहा है, 20 का 4 नहीं कह रहा हूं, 20 में से 4 कह रहा हूं, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा, ऐसे हो जाएगा। ₹100 का प्रॉफिट हुआ मेरे अकाउंट, ₹20 रॉयल क्यों ने लिया, ₹4 आपको दे दिया। तो ऐसे देखेंगे तो 4% है, बट रॉयल क्यों ने अपने हिस्से में से दिया, इस 20 में से ₹4 आपको दिया। मुझे लगता है बात क्लियर थी। अब आपके मन में प्रश्न अगर आ रहा है, यदि वाजपेयी जी आप किसी को जोड़ते हो, मिस्टर एक्स को,
और इन्होंने $120 का रोबोट लिया, $30 आपको मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% आपको मिलेगा, क्योंकि आप भी विवन और मैं भी विवन, तो आपको क्या मिलेगा? शून्य। क्यों? इसलिए सर क्योंकि ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये लेवल प्लान नहीं है, ये जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा मिलता है, तो इसलिए रॉयल क्यू कहता है कि यदि आप यहां पर बिजनेस करना चाहते हैं तो सर आपको वो V2 बनना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो V1 का रैंक है ना, ये हमने आपको गिफ्ट किया है, और V2 बनिए, पुरुषार्थ दिखाइए और पैसा बनाइए। और V2 बनने के लिए क्या चाहिए आपको? कैसे बनेंगे V2? V2 बनने के लिए आपको 3 अलग अलग लोगों को डायरेक्ट रिफरल करना है, 3 रिफरल, 3 अकाउंट्स आपको, रोबोट आपको सेल करने, प्लस टोटल 20 रोबोट आपको टोटल टीम से सेल करने, टोटल अकाउंट आपके पास 20 होने चाहिए। इस 20 में ABC तीनों शामिल है, और यदि ये जो 20 अकाउंट है ना, ये 3 आपने कर दिए, और इस सी वाले ने यदि 17 अकाउंट ओपन कर दिए, आपके 20 हो गए, तो आप यहां पर V2 बन जाएंगे। V2 बनने के बाद मिलेगा क्या? V2 बनने के बाद यदि अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो $120 का रोबोट पे $40 आपको मिलेगा, पहले 30 V1 पे, अब 40, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6%। अब यदि मैंने किसी को स्पॉन्सर किया तो मुझे मिलेगा $30, आपको मिलेगा 4%, 40 - 30, $10 आपको मिलेगा पर रोबोट, 6 - 4, 2% आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये मिलेगा आपको अनलिमिटेड डेप्थ से V2 और V1 का डिफरेंस चाहिए। और जब आप बन जाते हैं V3, कैसे बनेंगे V3? सबसे पहली चीज आपको बता दूं सर, V3 का जो रैंक है ना, वो रॉयल क्यू के अंदर बहुत शानदार रैंक है। क्यों? क्योंकि V3 की रैंक से आपको V6 दिखाई देता है, इसलिए शानदार। V3 बनने के बाद आपको लगता है कि अब हम V6 जल्दी बन जाएंगे, और V3 की एक ऐसा रैंक है जहां से कहते हैं ना कि जैसे कोहरा पड़ता है, जब दूर का नहीं दिखता है, और थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है तो बहुत दूर का दिखाई देने लगता है। तो हो सकता है V1 और V2 कोहरे वाली सिचुएशन हो, दूर का ना दिखे, जितना चलोगे उतना दिखेगा, लेकिन जब V3 पे आप पहुंच जाते हैं तो कोहरा छट जाता है, धूप खिल जाती है और दूर का दिखने लगता है, आपको एहसास हो जाता है कि अब हमें यहां पर आगे बढ़ने से तो रोक नहीं सकता है। तो V3 ये आपको एहसास दिला देता है, और ये दिला देता है एहसास कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाए। ये V3 इस बात का आपको एहसास करा देती है, रही सिर्फ तीसरा पायदान नहीं है। अब बनेंगे कैसे? 3 अलग अलग टीम में आपके V2 होने चाहिए, कुछ इस तरह, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इसकी टीम में ये, इसकी टीम में ये V2 बन गया, तो भी आप V3 के लिए एलिजिबल होंगे, प्लस 100 अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए पूरी टीम में ला करके। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप V3 हो जाते हैं, और V3 बनने के बाद अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपको मिलता है $50। आपने मुझे $120 से स्पॉन्सर किया, $50 आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट का, 8%। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है? सपोज ये आप V3 बन गए और आपकी टीम में मैं V3 बन गया, तो जितनी भी इनकम मेरी टीम से मुझे जो ट्रेडिंग का 8% आ रहा होगा, उसका 10% आपको मिलेगा। ये एक प्रकार से ओवरराइडिंग इनकम है, सेम रैंक से आपको मिलती है, जो कि V3 से स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही जब बन जाते हैं V4, बनेंगे कैसे? ये आप यहां पर V4 बनने के लिए 3 अलग अलग टीम के अंदर आपको V3 चाहिए, और जब आप 3 अलग अलग टीम के अंदर आपको V3 मिल जाते हैं, आप V4 बन जाते हैं, अब आपने मुझे स्पॉन्सर किया $120 से, आपको मिलेगा $60 पर अकाउंट डायरेक्ट स्पॉन्सर, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10%, और पीयर रिवॉर्ड 10%, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड क्या है? ये आप V4 बन गए, अब आपने मुझे स्पॉन्सर किया और मैं V4 हूं, मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट ओपन होंगे, पर अकाउंट $1.5 आपको मिलेगा। ये एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड की इनकम है।
और ऐसे ही जब आप बन जाते हैं V5, बनेंगे कैसे? तीन अलग अलग टीम में V4 होने चाहिए और V5 वो रैंक है रॉयल क्यू के अंदर, जहां आप कह देते हैं, कहते ना आप भले ना कहें, क्योंकि आपके अंदर जो मन है ना वो बहुत महत्वाकांक्षी है, मन में जो घोड़े हैं बड़े प्रबल हैं, तो वो आपको इस बात का नहीं मानने को तैयार होंगे, लेकिन जो आपके अंदर की आत्मा है आपकी, वो कह देती है कि सर अब हम सफल हो, 3-5 पे पहुंच गए, अब नहीं रोक सकता है, पूरी तरह सफल हो गए, कोई रोक सके तो रोक ले। तो ये V5 आते आते हो जाते, और V5 बनते हैं, तीन अलग अलग V4 होने चाहिए, और बनेंगे कैसे? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बनेंगे कैसे? या V5 बनने के लिए तीन अलग अलग V4 चाहिए, मिलेगा एक रोबोट पे $65, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 11% और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। एक V5 एवरेज आपको लगभग $1,500 के आसपास पर डे का देना शुरू कर देता है। पर डे का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर सर क्लोजिंग नहीं होती, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर क्लोजिंग जैसा शब्द है। क्यों? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है हमारा प्रोडक्ट, सुपर इंटेलिजेंट रोबोट लेकर आए हूं आपके लिए, तो इसलिए यहां क्लोजिंग नहीं होती, जो मिलता है इमीडिएट लो। तो V5 पे एवरेज $1,500, मतलब लगभग लाख रुपए रोज का। अब लाख रुपए रोज का अगर आपको आने लगे तो महत्वाकांक्षाओं की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपकी आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, कितनी भी बड़ी हो, जिनको आप सपने कहते हैं वो आपके आपके करीब आ जाते हैं, मुट्ठी में आने शुरू हो जाते हैं, और दुनिया धीरे धीरे मुट्ठी में करने लगते हैं आप। तो इसलिए V5 एक रैंक ऐसी है जो आपको रियलाइज करा देती है, यस हम कामयाब हो गए। बट जब आप पहुंचते हैं V6 पे, बनेंगे कैसे? तीन अलग अलग टीम में V5 चाहिए, और V6 बनने के बाद यदि आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो $70 मिलता है एक स्पॉन्सर पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12% और $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, और यहीं से शुरू हो जाती है रॉयल्टी। सही सुन रहे हैं आप, रॉयल्टी। रॉयल क्यों कहता है कि रॉयल क्यू में आकर V6 बनकर आप रॉयल बन चुके हैं, तो अब आपको देंगे हम रॉयल्टी। क्या है रॉयल्टी? ये है कि जब आप V6 बन जाते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट रॉयल क्यू के चल रहे होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10% निकाल करके, और जितने भी V6 होते हैं इक्वल शेयर हो जाता है, और पर अकाउंट $10 निकालकर सभी V6 के साथ में शेयर हो जाता है जितने नए अकाउंट ओपन हो रहे होते हैं। लास्ट मंथ रॉयल्टी थी $65,000। सही सुन रहे हैं आप, $65,000 पिछले महीने की रॉयल्टी थी, और V6 की जो डेली इनकम है ना वो तो बहुत ही शानदार है, अद्भुत है, कमाल है। सपने तो यहीं पर पूरे आपके हो गए थे। तो V6 पे क्या होता है ये आप सोचिएगा, हम आपको बताते हैं मिलेगा क्या। लगभग $10,000 एवरेज अर्न करता है एक V6, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास, 8 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन का, हर 10 दिन में 1 करोड़। हाँ, हर 10 दिन में 1 करोड़ डेली है ये। एक बात आपको और बता दूं, खासतौर पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से, यदि आपको ये लगता है जो इनकम है ना, ये जो इनकम आपको लगता हो किसी को मिल भी रही है क्या साहब? पूरी दुनिया के अंदर लगभग 15 लोग V6 हो चुके हैं, सिर्फ 6 महीने का प्रोजेक्ट है ये। इसीलिए मैंने कहा था सक्सेस के रेशियो को किक कर दिया एकदम से इसने, इस इंडस्ट्री के अंदर आज लगभग 6 महीने के सफर में 15 लोग V6 हो चुके हैं, और जो V5 है ना इनकी तो फेरिस्त है पूरी, जो आज इस स्टेज पर है। हुआ कैसे कमाल मालूम है कैसे? ऐसे नहीं हुआ कि इन जो V5 V6 बन रहे हैं इनके अंदर कुछ अलग से कुछ लगा हुआ है, मैं आपको बताता हूं वो सीक्रेट कि हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे, चूंकि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये सारा कमाल उसका
क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं प्रोडक्ट अगर परफॉर्म करता है तो फिर काम अपने आप हो जाता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये जब परफॉर्म करता है तो इसके जो रिजल्ट है ना, वो गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? बाजार में और भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कुछ फिजिकल लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन उनके रिजल्ट्स को गिना नहीं जा सकता है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सिर्फ उनके इस्तेमाल से क्या फर्क पड़ रहा है वो पूछ करके लोग बात करते हैं, कैसा लगा आपको इस्तेमाल करने के बाद, अब सामने वाला क्या बोलता है। कुछ बोलते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरा वो जो ये कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, कुछ खास नहीं लग रहा, वो रखा हुआ है आपका, मैंने कुछ दिन तो ट्राई किया, बट आप कोशिश करिए अगर उसको अगर कहीं से हटवा दीजिए, निकलवा दीजिए तो ठीक रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते मिल जाएंगे संतुष्ट नहीं है, बट हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने रख रहे हैं जहां पर जो रिजल्ट है वो पूछेंगे नहीं आप कैसा लग रहा है, पूछेंगे नहीं आप, देख लेंगे। क्यों? क्योंकि काउंट किया जा सकता, गिना जा सकता है रिजल्ट। यहां हमारे प्रोडक्ट के द्वारा किए गए काम के रिजल्ट को आप गिन सकते हैं। यही फर्क जो आज लोगों को V5 V6 बना रहा है, तेजी से सक्सेस के रेशियो को पंप किया जा रहा है यहां पे बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस काउंट किया जा सकता है, सिर्फ एक रीजन ये और कुछ नहीं। आप आश्रित नहीं है रिजल्ट के लिए किसी दूसरे के ऊपर, किसी की सलाह पे। जिसका जानना है आपने ओपन किया और देख लिया, यही सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आज लोग बहुत तेजी से, जब रॉयल को परफॉर्म करता है ना, अरे हम आज एज अ अगर बात करूं इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी मेहनत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, दिन में 18 घंटे काम कर सकते हो आप। लेकिन जब आप 18 घंटे काम कर रहे हैं ना, उस टाइम को तो छोड़ दीजिए, जिस टाइम आप सो रहे हैं ना, उस टाइम पर हमारा जो प्रोडक्ट है रॉयल क्यू का रोबोट 24 घंटे सातों दिन काम करता है। और जब रिजल्ट आता है लोगों के अकाउंट्स के अंदर, तो वो काउंट किया जा सकता है, कोई बहाने नहीं बना सकता है, गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो दिखता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हम वो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं जिसकी आवश्यकता सभी को है। क्यों? क्योंकि ये काम वहां करता है जहां पर लोगों को जरूरत है। जरूरत कहां है? अकाउंट के अंदर। लोगों को जरूरत है अकाउंट के अंदर, ये आपके अकाउंट के लिए प्रोटीन विटामिन इनका काम करता है, प्रोटीन और विटामिन का काम इनके अकाउंट के लिए करता है, और अकाउंट को हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। इसलिए इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा कमाल करता है, लोगों के लिए, आपके लिए, सभी के लिए। कुछ इस तरह से यहां पर चीजें नजर आती हैं, और इसीलिए आज लोग इतनी तेजी से यहां पर आगे बढ़ पा रहे हैं। और एक बात, यदि एक चीज और आपको बता रहा हूं, इस पूरे रिफरल प्रोग्राम की सबसे खास बात, ये वन टाइम रिक्रूटमेंट नहीं है। आपने जितने भी रोबोट आपने सेल किए आपकी टीम में, अगले साल जब उनका रिन्यूअल होगा ना, तो आपको किसी को बुला के इस मीटिंग में नहीं बैठाना पड़ेगा, नहीं 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 आओ एक बार समझ लो, देख लो, समझ लो, देख लो, क्योंकि रोबोट ने इतना कमाल कर दिया होगा कि लोग रिन्यू अपने आप करेंगे। और जब रिन्यूअल होगा तो भाई साहब पैसा तो उस समय आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो जूम का झंझट और ना किसी को समझाने का, तो खाली बस कहते ना एंजॉय करिए। तो अच्छा, किस तरह से, कल हमारे साथ में थॉमस सर थे, V5 है, उन्होंने अपने अकाउंट को भी शेयर किया था कि रॉयल क्यू के अंदर पैसा कैसे बरसता है, जैसे बारिश में बूंदे गिरती है ना, वैसे कैसा बरसता है, उन्होंने आपको दिखाया भी था। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर सेम टाइम रात को 9 बजे। अब तो आप जान ही गए हैं, रात को 9 बजे आपके ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को
यही बताने की कोशिश करता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी अच्छी तरीके से किस तरह से परफॉर्म करता है और किस तरह से उसके फायदे लोग उठा सकते हैं। कुछ आज उठाएंगे, कुछ कल उठाएंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है आपसे, एक टेक्नोलॉजी ने आपकी डोरबेल बजाई है। आप कहते ना दरवाजा जो खोलने वाला जो बेलन होता है ना वो आपकी तरफ है, अगर नहीं खोलेंगे ना तो नोकिया बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं लेकिन नोकिया का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नोकिया ने बाद में उसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जिसको उसने पहले रिजेक्ट किया, और जब एक्सेप्ट किया ना तो तब फॉलोअर बन चुका था। तो इसलिए थोड़ी सी समझदारी को बड़ा कीजिए, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, पकड़िए, जाने मत दीजिएगा, वरना आप नो करेंगे तो कोई यस करेगा, जो नो करेगा और जो यस करेगा उसका अंतर अगले 3 महीने सिर्फ 90 दिन के अंदर दिख जाएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद इतनी गंभीरता से, इतनी शिद्दत से जो आप हमें समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज इतना लेट होने के बावजूद इतने सारे लोग आज सेशन के अंदर आज भी मौजूद हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस कहना इतना है, अपॉर्चुनिटी पकड़िए, थोड़े से एफर्ट्स करिए, प्रोडक्ट हमारा जो है वो बहुत शानदार है, आपके लिए काम करेगा, जल्दी से V1 से लेकर के V6 तक का सफर तय कीजिए और फिर अभी तक तो दुनिया मुट्ठी में किसी ने करके दिखाई थी। जो हमारा प्रोडक्ट है ना, एक लाइन दे रहा हूं आपको, दुनिया तो मुट्ठी में आपने बहुत बार करी वो, और आज जो हाथ में पकड़ के मीटिंग देख रहे हैं आपने करी ली है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से सपने मुट्ठी में आ जाएंगे। थैंक यू ऑल।